Hello guys, welcome to a new video. I am Ashwatthama and I have brought a new topic. आज एक नया टॉपिक लेके आए हम लोग. मतलब वो पार्ट अभी थर्ड होगा क्रॉस एयर का. आज हम क्रॉस एयर के बारे में ही जानेंगे और थोड़े सेटिंग्स के टिप्स बताऊंगा मैं. तो फर्स्ट हम क्रॉस एयर को जरा सेट करने का, अगर आपको पता नहीं है कैसे क्रॉस एयर को मैं मेरे जैसा प्रो प्रो जैसा लगता है इसको अगर कैसे सेट करते हैं, तो ऊपर आई बटन है और लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, वो क्लिक करके आप देख सकते हो कि कैसे है. बाद में सेकंड थिंग है, सेकंड अब बात करेंगे थोड़ा क्रॉस एयर के भी बारे में बात करेंगे और सेटिंग्स के बारे में. सो पहले क्रॉस एयर के बारे में जानेंगे. क्रॉस एयर अभी एक नया टाइप्स के आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको. जो आउटर लाइन्स को बंद करना है ये तो आपको पता ही है, जो मेरे पहले वीडियो में मैंने बताई है. इनर लाइंस का हम अभी जरा ओपेसिटी वगैरह पे बात करेंगे. ठीक है, बताते हैं आपको. हाँ, सेंटर डॉट. तो बहुत लोग क्या करते हैं, ये डॉट को इतना रखता है, इतना बड़ा रखने के कारण है, अगर आपको दूर का एनिमी हो, फॉर एग्जांपल वहाँ का वहाँ पे एनिमी हो, Here. तो दिखने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्रॉस हेयर से वो छुप जाता है. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो डॉट रहता है उसका जो ही रहता है साइज रहती है वो आप कम कीजिए, जो थिकनेस है उसे आप बहुत कम रखिए, है 2 पे रखिए, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 3 पे रखिए. मैं 2 पे रखता हूँ तो देख सकते हैं आप दिख जाता है वहां से. तो वही एक रीजन है जो मेरा जो डॉट है वो इतनी लेंथ का है. पिछली बार आपने क्वेश्चंस पूछे थे मुझे कि डिस्कॉर्ड पे कि ये कैसे करते हो, इतना ही डॉट क्यों चाहिए. तो यही रीजन है कि दूर का एनिमी स्पॉट होने के लिए मैंने उसे बहुत छोटा रखा है क्रॉसर को. अभी हम सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे. सेटिंग्स में जाएंगे हम. जो पहली सेटिंग है अभी देखिए, मैं बताऊंगा आपको जो पहली सेटिंग है. बहुत लोगों का क्या रहता है, इन्वेंटरी शो करता है. जब भी आप नई गेम खेलते हो तब आपका इन्वेंटरी ऑन रहता है, प्लेयर्स लोड आउट ऑन रहता है. तो इससे क्या होता है, दूसरे जब आप समझो आपका एक प्लेयर है उस पर अगर आप एम करोगे तो उसकी इन्वेंटरी दिख जाएगी आपको, एक बॉक्स कर देता है, एक बड़ा बॉक्स आ जाएगा, उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो. इसलिए उसको आप ऑफ ही करना है, आपको विजिबली ऑफ करना है और इन्वेंटरी को भी ऑफ करना है आपको. तो इससे आपको बहुत हेल्प होगा. थर्ड थिंग है, आपको नीचे जाना है, जो नेटवर्क बफरिंग है. हाँ, बहुत लोग मुझे कंप्लेंट करते कि मेरा पिंग जो रहता है वो ऊपर नीचे सारा ही रहता है, तो ऊपर नीचे करता रहता है. सो इसे मिनिमम करना है आपको. अगर मॉडरेट पे हो तो मिनिमम कीजिए, मैक्सिमम हो तो मिनिमम ही कीजिए. दैट्स माय टिप दिस. और एचयूडी है, इसको आप ऑफ कीजिए, ऑब्जर्वर को भी इसको भी ऑफ कर दीजिए. उसके बाद आप जाइए वीडियो में. वीडियो में मैं बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, एफपीएस की सेटिंग है. अगर आपका मैक्स एफपीएस है, समझो मेरा मैक्स एफपीएस पे मैं अभी दिखाता हूँ, अभी मेरा मैक्स एफपीएस कितना है ऑफ देख रहे हैं आप. लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में मेरा एफपीएस दिख रहा है 134 135, जो ऊपर नीचे हो रहा है. उसकी वजह से मेरा पैकेट लॉस का भी प्रॉब्लम आ रहा है और फ्रेम रेट का भी प्रॉब्लम आ रहा है. इसलिए ये देखिए अभी राइट हैंड साइड में नेटवर्क प्रॉब्लम दिखा रहा है, ये उसका ही इफेक्ट है, ग्लिच है उनका एफपीएस का, उसकी वजह से आपका नेटवर्क में ग्लिच आ जाता है. सो क्या कीजिए आप, वहाँ पे जाइए, ऑन कीजिए उसका और इसको थोड़ा कम कीजिए. मतलब मेरा 131 है, मैंने 91 पे रखा है, समझो आपका 100 आ रहा है तो आप 81 पे रख दीजिए. इससे क्या होगा, उसके कम हो जाएगा वैल्यू. उसके बाद मैक्स एफपीएस इन बैकग्राउंड को आप ऑन कीजिए, 30 पे रखिए. मेनूज में मैंने 100 रखा है, इस पे 60 रखा है. देखिए मेरे एफपीएस की सेटिंग्स आप देख सकते हो. उसके बाद मेरे ग्राफिक्स की सेटिंग्स है, मेरा एनवीडिया है 1080, सो इसकी वजह से मैंने हाई पे रखा है. आपको अगर कुछ और एफपीएस की ज़रूरत है तो मीडियम पे रख दीजिए. और अभी देखिए मेरा एफपीएस कितना होगा, ये देखिए अभी 150 को टच हो रहा है मेरे एफपीएस आराम से. उसकी वजह एक ही है कि मैंने उसको मीडियम पे रखा है. अगर लो पे करूँगा तो और एफपीएस आ जाएगा, पर मुझे हाई पे ही रखना है, थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगता है. इसलिए That's the reason. This is the part 3 of my R settings, pro settings. So अगर आपको proper crosshair को मतलब ऐसा करना है, आपको reset to default यहाँ से आपको वो dot वाला मैंने दिखाया था वहाँ तक अगर करना है तो ऊपर मेरी link है, उसे click कीजिए, आपको properly दिख जाएगा. Thank you for watching this video. Thank you.